कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल रेसिपी विद मनीषा में आप सबका बहुत बहुत ही स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, जब भी घर में लौकी बननी होती है ना, तो सबका मुंह ही बन जाता है। कोई भी लौकी को खाना नहीं चाहता है। तो आज मैं आपको लौकी की ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिससे लौकी ना सिर्फ खाएंगे ही बल्कि आपसे बार बार बनाने की रिक्वेस्ट भी करेंगे। आज मैं आपके साथ लौकी की बहुत ही मस्त और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, एकदम नए अंदाज में, जो आपने ना कभी खाई होगी और ना ही कभी बनाई होगी। तो आप भी एक बार लौकी की यह रेसिपी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, यह सबको बेहद ही पसंद आएगी। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो लौकी की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्रेश लौकी ले ली है। इसका वेट करीब होगा आधा केजी या फिर 400 ग्राम्स। तो इसको हम सबसे पहले छील लेंगे, इस प्रकार से इसका छिलका हटा लेंगे। ये देखिए, आगे पीछे से इसका कट कर देंगे। अब हम इसको मोटे मोटे पीसेस में कट कर लेंगे और बीच में से दो हिस्सों में काट लेंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए, हमारी लौकी एकदम कच्ची है, इसके बीज बिल्कुल ही छोटे छोटे हैं। तो अब मैं इस लौकी को वॉश कर लूँगी एक बार पानी में डाल के। तो चलिए, अब हम लौकी को छोटे छोटे चॉप कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है, मीडियम साइज़ के पीसेज में चॉप कर लेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये देखिए, हमारी लौकी मैंने कट कर ली है। अब हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक कुकर में पानी रख दिया था, इसके अंदर हम लौकी डालेंगे। इसके अंदर मैं आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच से भी कम लाल मिर्च का पाउडर और आधा छोटा चम्मच से भी कम हल्दी का पाउडर डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम दो सीटी लगवा लेंगे जिससे ये अच्छे से गल जाएगी। तो जब तक हमारी लौकी गल रही है, जब तक हम प्याज चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दो मीडियम साइज़ के प्याज ले रही हूँ, इसको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे एक शिमला मिर्च ले रही हूँ। तो हाँ फ्रेंड्स, इस सब्जी में हम शिमला मिर्च का भी यूज़ करने वाले हैं, इससे इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसको भी हम मीडियम साइज़ के पीसेस में इस प्रकार से कट कर लेंगे। इस सब्जी को हम बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाने वाले हैं और बेहद ही यूनिक तरीके से बनाएंगे। आपने ये तरीका पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा और जो भी ये लौकी की सब्जी खाएगा वो बता ही नहीं पाएगा कि यह लौकी की सब्जी है। इसके बाद मैं दो हरी मिर्च भी बीच में से इस प्रकार से दो हिस्सों में काट कर ले रही हूँ। ये देखिए, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो और हरी मिर्च यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक टमाटर के अंदर से बीज निकाल दूंगी और इस प्रकार से इसको चार हिस्सों में चॉप कर लूंगी। यहाँ पे मैंने प्याज को भी डाइस में चॉप कर लिया है। तो ये सब्जी मैं बनाने वाली हूँ एक क्ले पॉट में। इसको मैंने पहले से ही गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी दो बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। दूसरे साइड मैंने एक पैन ले लिया है और इसे इंडक्शन पे रख दिया है। इसमें भी हम ऑयल ऐड करेंगे और इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। इसके अंदर हम सब्जियां फ्राई करेंगे।
तो ये देखिए हमारा पॉट में ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें डाल दिया आधा छोटा चम्मच जीरा, दो हरी इलायची और दो लौंग, हल्का सा दरदरा कूट के डाला है इनको। अब हम बारीक चॉप किए हुए प्याज और हरी मिर्च ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से चला लेंगे एक बार और ढक करके इसे पकने के लिए रख देंगे। इसमें सब्जी बहुत ही स्लो कुक होती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मसालों का। तो दूसरी साइड ये देखिए, मैंने प्याज और शिमला मिर्च भी फ्राई होने के लिए रख दिए थे फ्राई पैन में, तो ये फ्राई हो गए हैं। तो इसको अब मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। जो प्याज और शिमला मिर्च हमने डाइस करके रखा था वही मैंने इसमें फ्राई किए हैं, इसे हम बाद में सब्जी में ऐड करेंगे। तो अब मैंने जो टमाटो चार हिस्सों में काटा था और बीज निकाल दिए थे उसको भी फ्राई कर लूँगी और हरी मिर्च को भी। तो ये देखिए ये भी फ्राई हो गए हैं और इनको भी हम निकाल लेंगे प्लेट में। हल्का हल्का फ्राई करना है इनको। तो ये देखिए अब मैं प्याज को चेक कर लेती हूँ, सावधानी से ढक्कन हटाएं। तो ये देखिए हमारी प्याज अच्छे से कुक हो गई थी, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमेटो जो मैंने इस चॉपर में बारीक चॉप कर लिया था। ये मैंने दो मीडियम साइज़ के टोमेटोज लिए थे। तो अब यहाँ पे हमने टमेटो ऐड किए, तो इसमें ऐड कर देते हैं एक छोटा चम्मच नमक, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और एक छोटा चम्मच ही हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच के करीब गरम मसाला। इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स और अब हम इसको ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं पनीर भी ऐड करने वाली हूँ इस सब्जी में। पनीर से इस सब्जी में बहुत ही गजब टेस्ट आएगा। ये मैं करीब 200 ग्राम पनीर का यूज़ करूँगी इसके अंदर। तो ये देखिए मैंने डाइस में चॉप कर लिया है पनीर को। इसके अंदर मैं थोड़े से मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी नमक ऐड करूँगी। अब मैं इसमें एक चम्मच के करीब मैदा या फिर आप कॉर्नफ्लावर भी यूज कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप इसके साथ जगह बेसन या फिर गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। ये पनीर फ्राई करते टाइम थोड़ा सा उछलता है क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा पानी होता है इसलिए, तो इससे इसके अंदर थोड़ा सा टेस्ट भी ऐड हो जाएगा और पनीर फ्राई करते टाइम बिल्कुल भी छींटे नहीं लगेंगे आपको और बहुत ही अच्छा फ्राई होगा। तो ये देखिए हम पनीर को भी फ्राई करने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हम अपना मसाला चेक कर लेते हैं हांडी के अंदर। तो यहाँ देखिए हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से कुक हो गए थे और इसके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी एक चम्मच के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये इस सब्जी में बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप इस सब्जी को बिना लहसुन प्याज के बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। शुरू में मैंने जो प्याज इसमें ऐड किया है आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं और सिर्फ टमाटर के साथ भी इस सब्जी को बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा पनीर भी अच्छे से फ्राई हो गया है चारों तरफ से। इसको भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी। फ्राई करने से सब्जी में इन सब्जियों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ देखिए हमारी जो लौकी हमने बॉईल होने के लिए रखी थी वो अच्छे से बॉईल हो गई थी। तो ये देखिए मैं थोड़ी सी लौकी को निकाल लूँगी एक कटोरी में। मैं दो तरीके से आपको इसको यूज़ करके दिखाऊंगी, आपको जो बेस्ट लगे वो आप कर सकते हो। तो ये देखिए आधी मैंने निकाली है एक कटोरी में और आधी ग्राइंडर में। तो कटोरी वाली मैं इस सब्जी में ऐड कर दूँगी मसाले के साथ ही, ये बिल्कुल मैश हो जाती है। तो आप इसे बिना ग्राइंड किए भी डाल सकते हैं इस प्रकार। अब मैं ऐड कर दूंगी जो फ्राई किए हुए प्याज और शिमला मिर्च थे वो, इनको भी हम सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास क्ले पॉट नहीं है तो आप इसे कढ़ाई या पैन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये मगज़ का पेस्ट जो मैंने खरबूजे के बीज से बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। इससे सब्जी में एक रिचनेस ऐड होती है और इसके अंदर आपको बिल्कुल कोई काजू या क्रीम ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही हेल्दी भी होता है। तो दूसरी तरफ हमने ग्राइंडर में जो लौकी रखा था उसका मैंने पेस्ट बना लिया है और वो भी इसके साथ साथ ही ऐड कर देंगे।
तो ये देखिए हम सब्जी को अच्छे से कर लेंगे मिक्स और कुक होने के लिए ढक करके करीब 5 से 7 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए हमारी सब्जी लगभग आधी कुक हो गई थी। आप चाहें तो बिना पनीर के भी इस सब्जी को बना सकते हैं इसी ग्रेवी के फॉर्म में। तो अब मैं फ्राई किया हुआ पनीर भी ऐड कर दूंगी इस सब्जी के अंदर, ताकि पनीर के अंदर भी सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ देखिए हमारी सब्जी बनकर के तैयार हो गई थी। लास्ट में इसमें मैं ऐड कर दूंगी फ्रेश कटा हुआ धनिया, इसको भी हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। देखने में देखिए हमारी सब्जी कितनी ही गजब लग रही है। और लास्ट में मैं टेस्ट के लिए इसमें ऐड कर दूंगी कसूरी मेथी, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी लौकी की सब्जी बनकर के तैयार है। देख करके आप बता ही नहीं सकते कि ये लौकी की सब्जी है, और देखने में बहुत ही गजब लग रही थी। जो कोई भी लौकी की सब्जी नहीं खाता है वो भी 4 बार मांग करके इस सब्जी को खाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।